ये कोई 70s की फिल्म नहीं है कि पत्थर पे के सबको डाइवर्ट कर दोगे। अब क्या करें? चलो सब स्टोर रूम। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने बेवकूफी ना की होती तो ये सब नहीं होता। अरे कहाँ गया? अगर उन लोगों ने हमें देख लिया ना तो हम ऐसा कह देंगे कि हम लोग यहाँ पर फंस गए थे, ठीक है ना? गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? सॉरी गाइस, आई फील लाइक एन इडियट। सही कह रहा हूँ, ऐसी हो इसीलिए वैसी हरकतें कर रहे हो। अब चुपचाप खड़े रहो, हमें सोचने दो कि क्या करना है। अगर किसी ने इन तीनों को यहां देख लिया तो दोनों परिवारों की बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे दादा, मैं पूछता हूं, किसी ने स्टोर रूम में देखा है क्या? नहीं। चलो एक बार उधर भी देखते हैं। आओ चलो। हाँ चलो 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 चलो, 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 चलो। तुम बच्चों के साथ यहीं पे रहना। शर्मिष्ठा प्लीज, मुझे ये करना ही होगा। तुम लोग कोई आवाज मत करना। शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा, तुम यहाँ? हाँ, वो पत्थर गिरने की आवाज आई ना, तो इसलिए देखने आई। लेकिन शर्मिष्ठा, तुम तो घर पर थी ना? हाँ, पर मैंने सोचा पता नहीं आप लोगों को पता चला या नहीं, इसलिए मैंने सोचा ऊपर आके देख लूं, अगर चोर है तो आप लोगों को आवाज दे दूंगी। वैसे मैंने सब देख लिया है, यहाँ अंदर भी चेक कर लिया है, कोई नहीं है। फिर ठीक है, हम लोग भी चलते हैं। हाँ दादा चलो, जो होगा सुबह देखेंगे। ठीक है। कोई है? नहीं, यहाँ तो मैं अभी भी देख के आई, यहाँ से नहीं, वो नीचे से है शायद आवाज। शर्मिष्ठा, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम स्टोर रूम में क्यों नहीं जाने दे रही हमें? हमें पता है आवाज वहीं से आई है। क्या छुपा रही हो शर्मिष्ठा, या यूं कहें कि किसे छुपा रही हो? इतनी रात को छत पे अकेले क्या कर रही थी? कौन है तुम्हारे साथ? कोई आवाज नहीं करना, और कोई बाहर नहीं आना। शेखर बाबू, चोट तो मिला? चोर मिला? चो मुंह क्यों सिले हुए? चोर मिला कि नहीं? हटो हटो। हाँ हाँ मिले ना, देखिए एक नहीं दो दो मिले। hey! जमन संभल के, की बोलते तुम्हें? नैलक्ष बाबा ने अंकल ने मना किया दरवाजा खोलने से, प्लीज मत खोलो। मैं बाहर नहीं जा रहा, बस देख रहा हूँ कि सब ठीक है कि नहीं। शेखर, तू अटके कर रहा है, तू तो रागिनी के पास था ना? पहले शर्मिष्ठा बाहर आई और बोली अंदर कोई नहीं है, बाद में अंदर से आवाज आई तो हमें झूठ बोलकर यहां से भगाने लगी।
की बकवास है ये, जे ना हो सके। झूठ मत बोलो, अमन में एरकम ना है। आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप सबसे पूछ लीजिए। 20 साल पुराना प्यार अब परवान चढ़ रहा है। खैर छोड़ो, इनको तो इनका तमाशा जारी रखने दो और हम लोग चलो यहाँ से चलते हैं। चलो 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 चलो। बिना मतलब हमारी रात खराब की। अब जे दिन देखना बाकी रह गया था हमारे को। मैं जानती हूँ जी, बात कुछ और है। चोमी, तू कुछ छुपा रहे थे हमसे, ठीक है घर पे चलो बात करेंगे। मैं अगर बाहर नहीं आती तो वो लोग लक्ष्य और रागिनी को साथ में देख लेते तो बात और भी बिगड़ जाती। चलो आज अगर रागिनी की जगह स्वरा होती तो आई एम श्योर तुम भी यही करते। सॉरी अंकल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये ड्रामा खत्म करो, जाओ यहाँ से। हाँ प्लीज तुम जाओ। रोहन आज मेरी जान बचा लो प्लीज। अगर हाइट से डर लगता है तो आंखें बंद कर लो, डर नहीं लगेगा। आप संभाल के जाइएगा। तो जल्दी से अपने कपड़े बदल लेना। I knew it. मालूम था कुछ तो गड़बड़ है। क्यों तुम रूम में नहीं था? सच सच बोलो शुरू, सच सच बोलो, क्योंकि हमें आइडिया है कि क्या हो रहा है। क्या है सब? क्या है इसका मतलब? मतलब हमको बाद में समझाना, पहले ये बता वो बंगालन की नातन की तरह ये कपड़े क्यों पहने हैं? ये मारा काटो श्याम जी, वह चोरी की हवा लग गई है हमारी पोती को।
रागिनी, नजरें मत चुरा, सच सच बता जो सबके हो रहा है। हमें माफ कर दीजिए दादी माँ, हम आपको सच्चाई कैसे बताएं? कहाँ थी तू, बताते क्यों ना है? दीदा, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली सब में माँ और शेखर अंकल को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जो सबने देखा, जो सबने सोचा, वैसा कुछ नहीं हुआ था। यही सच है दादी माँ, लक्ष्य यहाँ हमें मिलने आए थे और लक्ष्य को बचाने के लिए शर्मिष्ठा काकी और पापा ने ये सब किया। इसका जरूरत क्या था? उस आदमी का बेटी के लिए मेरा बेटी का इज्जत उसने? नो वे, हम बार बार ऐसा नहीं होने देगा। जो किया नहीं उसका ब्लेम क्यों लेगा सर पे? अभी मोहल्ला वाले को बुला के सब क्लियर करेंगे। सच्चाई सबको मालूम होना चाहिए। उधर मरवान को पति से मिलने लेके आया था। इतनी हिम्मत हो गई वाकी कि मारी पति से मिलने इतनी रात को आया और ये सब वापंगाल, उसकी बेटी और उसकी नौतन के बहकावे में आकर। माँ बस भी करो, शोमी हम तुम्हारा इंसल्ट नहीं होने देगा। वो शेखर बुजदिल हो सकता है, हम नहीं। माँ, नो वे, ए छोड़ छोड़। आज उस शेखर का इज्जत उतर लेंगे हम। दीदा, दीदा प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि वो कोई असली भी नहीं, मेरे बाबा है, मेरे बाबा है, मेरे बाबा है। सच कह रही हूँ दीदा, बाबा है वो मेरे। Shut up! झूठ मत बोलो। माँ, ये एक चीज तो तुमने नहीं सिखाया, झूठ बोलना। स्वरा सच कह रही है। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार करने के बाद भी हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। मां, जो भी हुआ इस यकीन के साथ हुआ था कि शेखर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो सब कुछ बिखर गया, मेरा रिश्ता, मेरी जिंदगी, सब कुछ।
मेरी ही थी माँ, सब कुछ मेरे वजह से हुआ माँ। सॉरी माँ, माँ मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं तुम्हें ये सब बताऊं, पर पता नहीं कभी हिम्मत ही नहीं हुई माँ। सॉरी माँ। माँ पर सच तो यही है कि शेखर स्वरा के बाबा ये वो सच है जो जिंदगी में एक तकलीफ बनकर मेरे साथ रहने वाली है। आप प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज आप सॉरी माँ, आप सॉरी। बिल्कुल गलती की है वहां बंगालियों ने, मत बंगालन दुश्मन है हमारी, इसीलिए किया उसने ये सब। मत भूलो मां, उसी दुश्मन की बेटी ने आज सारी दुनिया के सामने आकर आपकी पोती का नाम खराब होने से बचा लिया। लक्ष्य के साथ अगर रागिनी को सबने देख लिया होता तो पूरे मोहल्ले में कैसी बातें होती, आप बहुत अच्छी तरह जानती हो। मतलब कि लक्ष्य वहीं पर था, वाने सुन ली सारे मोहल्ले की बात, तारे और शर्मिष्ठा के रिश्ते की बात। ये हमारा खाटू श्याम जी, अब वो ये सब जाकर अपने बाबूजी को बताएगा तो सत्यानाश हो जाएगा, फिर तो ये रिश्ता खत्म समझो। फाइनली घर पहुंच गया। मेरे एक स्टेप से दो जिंदगियां बच जाएंगी। कल जो मोहल्ले में हुआ ना, अच्छा हुआ कम से कम इसकी वजह से मोहल्ले में शांति तो है। शांति नहीं, सन्नाटा। माँ चाय?
खुश रहो बेटा। अरे ओ छोटू, अरे आलसी निखट्टू, दिन चढ़ाया है, कब उठेगा तू? अरे कितना काम करने को बाकी। कटे जा रही है दादी माँ। तुलसी, दिमाग खराब हो गया थारा है? लक्ष्य के अटे आने की बात मोहल्ले में कभी भी फैल सके, यहां शर्म से आंखें और सिर झुकने की बारी आ गई है और थारे को बाहर पूजा करने की पड़ी है। किस मिट्टी की बनी है तू? मिट्टी की नहीं माँ, औलाद की बनी है। रागिनी, कल जो कुछ भी हुआ उसका सबकी जिंदगी पर असर पड़ा, मगर हिम्मत वाला इंसान वही है जो सब कुछ भूल कर जिंदगी में आगे बढ़े। इसलिए बेटा अपनी हिम्मत को मत टूटने देना, जाओ सर उठाकर सबकी आंख से आंख मिलाकर लोगों का सामना करो। अपनी जिंदगी दूसरों के नियम और कानून के हिसाब से नहीं, अपनी शर्तों पर जियो। जाओ। दिया परिवार का दरवाजा तो खुल गया। जाओ जाओ और अपनी पूजा करो। हे खाटू श्याम जी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने, अब हम क्या करें?